हेलो दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपको पता होंगे। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कोरोना वायरस का सबसे पहला केस किस डॉक्टर के पास आया था? चाइना के वुहान सिटी में वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में काम कर रहे एक फिजिशियन डॉक्टर ली विलियोंग के पास सबसे पहला केस आया था, जिन्होंने कोरोना वायरस की पुष्टि की थी या कोरोना वायरस पॉजिटिव बताया था। और 34 पेशेंट का इलाज करते करते वो खुद भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए और उनकी डेथ हो गई। फैक्ट नंबर 6, चाइना में मरे हुए काफी सारे लोगों के रिसर्च के आधार पर ये निकाला गया कि कोरोना से डेथ का जो सबसे मेन रीजन है वो ये कि जो पेशेंट होता है उसके सीने में, उसके लंग्स के अंदर बलगम जमा हो जाता है, गाढ़ा बलगम जिसको म्यूकस कहते हैं, जिससे सारे एयरवेज बंद हो जाते हैं, हवा यानी कि सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दम घुटने से ही उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, इसलिए उसे वेंटिलेटर में रखा जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जो म्यूकस होता है वो 3 दिन तक हमारे गले में रहता है, अगर उसको हम 3 दिन में ही न्यूट्रलाइज कर दें तो ये म्यूकस डेथ का कारण नहीं बनेगा। इसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका क्या है? न्यूट्रलाइज करने का तरीका ये कि हम कुछ हॉट लिक्विड पी सकते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी या गुनगुना पानी। अगर हम ये रेगुलर पियेंगे तो गले में म्यूकस जमा नहीं होगा, क्योंकि ये म्यूकस गुनगुना पानी या कुछ भी हॉट लिक्विड पीने से सीधे हमारे पेट में जाता है। पेट में गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो इसको खत्म करने की क्षमता रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जो हम गरारे करते हैं, गरारे वही जो हम अक्सर सुबह उठकर करते हैं, उन गरारों से अगर हम गर्म पानी से या हल्दी के पानी से हम गरारे करेंगे तो भी ये म्यूकस हमारे गले में जमा नहीं होगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कोरोना सिर्फ हमारे हाथों पर ही नहीं लगता, जब हम मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना हमारे कपड़ों और हमारे बालों पर भी आ सकता है। तो जैसे ही हम घर पर आते हैं हमें किसी भी हैंडल को टच नहीं करना है, गेट को ऑलरेडी पहले से खुलवा के रखना है। दूसरा, आपको 20 सेकेंड्स तक साबुन से अपने हाथों को वॉश करना है और कपड़े, उन सारे कपड़ों को हटाकर किसी सोप वाले लिक्विड या सर्फ वाले लिक्विड में डाल देना है और इमिजिएटली आपको शावर लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है अगर ये वायरस किसी मेटल के ऊपर आ जाए, किसी भी मेटलिक हैंडल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जो धातु से बनी है, मेटल से बनी है, तो उसके ऊपर ये वायरस 9 घंटे तक रहता है, 9 घंटे तक सर्वाइव करता है। इसके अलावा कार्डबोर्ड पर ये वायरस 24 घंटे या उससे ज़्यादा तक सर्वाइव करता है, और जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उस पर यह वायरस 3 से 7 दिनों तक भी रह सकता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कोरोना वायरस को COVID-19 के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि को मतलब होता है कोरोना, वी मतलब होता है वायरस, और डी मतलब डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज, और 19 का मतलब है ये बीमारी 2019 से फैलना शुरू हुई थी, इसलिए इसको कोविड 19 के नाम से जाना जाता है।